मां शिवहर के परिभ्रमण प्रशिक्षण और किसान पाठशाला सहित प्रत्यक्षण जैसी कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है कि जिले के कृषकों के बीच काले धान की खेती खूब प्रचलित हो रही है और यह काले धान की खेती स्थानीय कृषकों के सबलीकरण का एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। आइए जिले में काले धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे कृषकों को हो रहे लाभ सहित इसकी तकनीक पर और अधिक जानकारी के लिए आपको मनोज कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। आत्मा के द्वारा यहाँ काले धान का खेती के लिए हम लोगों को शुरू में प्रशिक्षण दिया गया और यहाँ किसान पाठशाला भी काला धान का चलाया जा रहा है और 2.5 एकड़ में जिन्हें हम काला धान का खेती जैविक विधि से किए हैं, जिसमें हम 23 जून को बीज गिराए थे और 20 दिन का जब जिन्हें बिचरा हो गया तो उसको जिन्हें हम रोपाई किए थे। रोपाई में जिन्हें सिर्फ जिन्हें हम बर्मी कंपोस्ट 20 kg प्रति कट्ठा के हिसाब से बर्मी कंपोस्ट का उपयोग किए थे और इस बार ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो है उसमें हमको पानी पटवन जो है ना अलग से नहीं करना पड़ा। वर्षा समय से जो है ना होता गया तो इसलिए अलग से पानी का व्यवस्था हमको नहीं करना पड़ा और धान का फसल जो है ना अच्छा है और हम लोग जो है ना उसको कलेक्टिव भी जो है ना सभी जो भी किसान काला धान का खेती किए हैं उसको कलेक्टिव करने का समर्पित फार्मर प्रोड्यूसर हमारा जो है ना समर्पित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन भी है और उसको हम लोग कलेक्टिव करके चाह रहे हैं कि उसको जो है ना आगे मार्केटिंग के लिए आत्मा के माध्यम से जो है ना मार्केट लिंकेज का व्यवस्था हो जिससे कि हम आगे उसको मार्केटिंग कर सकें। आइए अब इस काले धान के श्री विधि से जैविक खेती करने वाले समूह के कुछ और सदस्यों की राय से भी आपको रूबरू कराते हैं। गवर्नमेंट हम लोगों यहाँ किसी आत्मा के माध्यम से हमारे शिवहर आत्मा के माध्यम से यहाँ तक आई और हम लोगों के बीच में 2-4-5 लोगों के ही वितरण किया गया बीज को, कुछ लोग किए, कुछ तकनीकी कमी के चलते किसान में समझ नहीं है जिसके चलते थोड़ा कमी बेसी होता है और हुआ भी और हम लोग जब इस बार किए हैं फिर करेंगे तो उसमें सुधार होगी और ये घाटा का सौदा किसी भी कीमत में नहीं है, इसलिए नहीं है जो मान लीजिए 10-12 रुपये किलो अगर धान का मार्केट में हम लोगों को वैल्यू है, अगर ये 60-70 रुपये मिल रहा है, अगर कट्ठा में अगर 1 मन ही होता है तो हमको 5 मन के बराबर ही पैसा दे रहा है और स्वास्थ्य के लिए इसमें तो लागत खर्च है ही नहीं, न नाइट्रोजन देना है, न फास्फोरस देना है, न ही किसी भी मल्टीविटामिन किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल करना है, सिर्फ इसको रख रखाव और बचाव की तकनीक होना चाहिए, बस यही है।